हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? तो आज हम लोग केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता, ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली पूछता है कि आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखें। एकदम एक स्पेशल से दे देगा, 5 पीस दे देगा और बोलेगा आईयूपीएसी नाम लिखे। तो बहुत नॉर्मल सा आपका केमिस्ट्री में हर हाल में आईयूपीएसी नाम नेम आएगा, चाहे 2 ही आए, चाहे 5 आए, चाहे जितना भी आए, लेकिन हर हाल में आता ही आता है। आप पिछले साल को उठा के देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं इसको बेसिक से समझते हैं कि ये होता है क्या। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखिए, जो आपको मैंने 3-4 वीडियो मैंने बताया था कि सह संयोजक बंधन कैसे बनाते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनता है, और फिर मैंने बताया था संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है, तो वो सब आप जान गए होंगे, तो ये बहुत आसान लगेगा पढ़ने में, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी निकालना है। जितना भी कार्बनिक यौगिक है ना, जैसे कि आपका जिसमें कार्बन जिसमें मिला हुआ है, तो हमको इसमें मुख्य रूप से पढ़ना हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन और आप याद कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा, हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ये बात याद कीजिएगा। एल्केन जो समूह है, एल्केन जो एक समझते हैं क्या, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और एल्केन के सबसे एथेन, एक वर्ड याद कीजिएगा, एन। देखिए एल्केन के यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, एल्केन तो एल के में एन जुड़ गया, एन आ रहा, एल्केन। तो आगे पढ़ेंगे एथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन आ रहा ना, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो था, इसमें जो है ना, फंक्शनल जो ग्रुप इसका है, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जो है इसका है, एल्कीन और एल्काइन है, एल्कीन है और क्या है, एल्काइन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है ना, ये दोनों पढ़ेंगे। तो एल्कीन में एथीन, प्रोपीन, देखिए इन आ रहा है, ध्यान से देखिए, एल्कीन के अकॉर्डिंग हम उसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, एथीन, प्रोपीन। अब बोलेंगे सर मेथीन क्यों नहीं हुआ, तो आगे पता चल जाएगा मेथीन क्यों नहीं होता है, ठीक है ना, या मेथाइन क्यों नहीं होता है। मेथेन होता है लेकिन मेथीन और मेथाइन नहीं होता है, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। तो हम इसमें एल्कीन में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, देखिए आइन आ रहा है, एल्काइन। तो यहां पे एक वर्ड था एल्क, एक वर्ड था एल्क, और एल्क में क्या जुड़ा, एल्क में एन जुड़ा तो एल्केन हो गया, एल्क में इन जुड़ा तो एल्कीन हो गया, एल्क में आइन जुड़ा तो क्या हो गया, एल्काइन हो गया। यहां तक समझ में आ रहा अच्छे से, समझ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी आपका बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद हम फिर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अलग से मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, ओके। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ गए। एल्केन क्या है, कभी कभी सवाल पूछता है कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अब देखना है एल्कीन में कौन आ रहा है या एल्केन में कौन आ रहा है, है ना, या असंतृप्त कौन है। तो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप जो है वो असंतृप्त में आएगा और एल्केन अकेला जो है वो संतृप्त में आएगा। अब देखिए एल्केन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CnH2n+2, देखिए CnH2n+2 मतलब ये हुआ कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, देखिए कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, CnH2n+2 ये है एल्केन का फॉर्मूला। देख रहे एन के मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन कितना है, 1, 2, 3 ऐसे, तो कार्बन का दुगना किए, 2n मतलब क्या हुआ, कार्बन का दुगना, और दुगना में 2 जोड़ दिए, तो याद कीजिएगा कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एल्केन होगा, समझ आ रहा। इसको फॉर्मूला ऐसे याद कीजिएगा, या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं CnH2n+2 भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, ठीक है ना। एल्कीन में आते हैं तो सिर्फ कार्बन का दुगना रहता है, CnH2n, ठीक है, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला, CnH2n, समझ आ रहा। और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, ये होता है कार्बन के दुगना से 2 कम,
और कार्बन के दुगुना, कार्बन के दुगुना से दो ज्यादा। तो ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके कि एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का सूत्र क्या है, एल्केन का सूत्र क्या है, ये सब पूछता है। ओके चलिए, तो अब यहां तो समझ में आ गया आपको कि एल्कीन क्या होता है भाई, एल्काइन क्या होता है। एल्कीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है, और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन सॉरी एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, और एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये दोनों समझ रहे कि ये दोनों जो है वो असंतृप्त वाला है और ये जो है संतृप्त वाला, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ओके चलिए, अब जानते हैं एक बात, यहाँ पे नोट कीजिए, जो एल्केन होता है, एल्केन जो एन वाला आ रहा, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद कीजिएगा, ये सिंगल बॉन्ड एल्केन वाला ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओके, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड रहेगा, जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा समझ जाइए वो एल्कीन ग्रुप का है ना। अब एल्कीन में एथीन हो सकता है, मेथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, ठीक है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जहां पे आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आपको दिखे ट्रिपल बॉन्ड, तो समझ जाएगा ये क्या होगा, एथाइन हो सकता है, एथाइन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, ब्यूटाइन हो सकता है, और अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो क्या समझना है, एन वाला, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, तब जाके आप आईयूपीएसी नाम जान पाओगे, ठीक है ना। तो सवाल कभी कभी दो टाइप से पूछता है, एक तो दिया रहता है एथीन, अब बोलेगा इसका संरचना सूत्र बताइए, तो जो संरचना सूत्र बनाएंगे ना, संरचना सूत्र में ये वाला काम आने वाला, जो संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये काम आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग से हम आईयूपीएसी नाम जान पाएंगे। तो अब एक बात समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो किसमें जाएगा, एल्काइन में जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड रहेगा तो किसमें जाएगा, एल्कीन में जाएगा, और एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन में जाएगा। ओके, ये बात आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, आपको अगर जानना है कि कैसे हम बनाएंगे आईयूपीएसी नाम, कैसे जानेंगे, तो देखिए आईयूपीएसी नाम जाने के लिए पहले ये 10 आपको याद करना पड़ेगा। एक कार्बन की संख्या, अगर एक कार्बन है, कार्बन अगर एक है तो उसको बोलेंगे मेथ, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, अगर दो कार्बन है तो एथ, ये है आपका सफिक्स जिसको उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा है ना, तो मेथ में एन जोड़ेंगे, देखिए सब में एन जुड़ेगा, अगर मेथ में एन जोड़ें, अगर मैं भी यहाँ पे एन जोड़े एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, है ना जी, मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एन एन जोड़ते जाएंगे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे होता जाएगा। अगर हम इसमें इन जोड़ेंगे, इन, ठीक है ना, इन इन जोड़ते हैं तो मेथ तो होगा नहीं, ये नहीं, एथीन क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, बोल सकते आप, प्रोपेन तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपीन हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, ठीक है। अगर इधर में आयन जोड़ते हैं, आयन आयन, तो ये तो नहीं होगा, मेथ नहीं होगा, बताते कैसे नहीं होगा, तो एथ, एथ में क्या होगा, अगर एथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है जी, ये क्या, ये एक सफिक्स है, यानी कि उपसर्ग है, और उपसर्ग किसको कहते हैं बाबू, जो शुरू में जुड़ता है, तो ये जो ना एन में शुरू में जुड़ा तो मेथेन हो गया, ठीक है ना, जैसे देखो एन में जुड़ा एथ तो क्या हो गया, एथेन हो गया, इन में जुड़ा तो एथीन हो गया, आयन में जुड़ा तो एथाइन हो गया, ठीक है ना, इसी तरीके से प्रोप में जुड़ा एन तो प्रोपेन हो गया, और इन जुड़ा तो प्रोपीन हो गया, आयन जुड़ा तो प्रोपाइन हो गया, समझ आ रहा है, ये बात क्लियर। तो आपको कार्बन की संख्या देख करके बताना कि ये मेथ है कि एथ है कि प्रोप है कि ब्यूट है कि पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही याद रहेगा तभी आप कार्बन की संख्या पता कर पाओगे कितना कार्बन है, कार्बन की संख्या केट हुआ है, अब जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से इसका नाम बैठा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए दिया रहे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे बना मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था। अब आपको जो ना आईयूपीएसी नाम ऐसे दिया रहेगा और बोलेगा आईयूपीएसी नाम बताएं, यानी कि ये संरचना सूत्र है, ये क्या है, संरचना सूत्र है, और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो कैसे पहचानेंगे हम, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कितना बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, देखिए कार्बन में इधर भी एक, इधर सब तरफ एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड किधर जाएंगे, इधर वन था, एल्केन वाला ग्रुप था, एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, एल्केन में चला गया, एन में चला गया, एल्केन समूह में चल गया। अब एल्केन चल गया तो फिर देखिए कार्बन के गो है, एगो कार्बन है, तो एगो कार्बन तो क्या आएगा,
मेथ, तो एल्केन में आए थे एन वाला में आए थे और एन में मेथ जोड़ा था, क्या हो जाएगा मेथेन। तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा, मेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी कार्बन एगो और हाइड्रोजन कितना है चार गो, सी एच फोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको समझते हैं, वन बाई वन कर समझते हैं। अब पहला यहाँ पे समझते हैं जी, पहले एल्केन लेते हैं ना, एल्केन समूह का। तो एल्केन बना कैसे भाई, एल्केन कैसे बना, एल के और प्लस एन है ना, तो क्या बन गया एल्केन हो गया। इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में याद आ गया सी एन एच टू एन प्लस टू, ये है कार्बन के दुगना से दो ज्यादा इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे हम पहले ही बात लेते हैं कार्बन फर्स्ट, अगर फर्स्ट कार्बन लें है ना, कार्बन फर्स्ट लें तो कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, देखो बैठा हो यहाँ पे कार्बन फर्स्ट लेते हैं तो कार्बन फर्स्ट बनाएंगे तो पहला कार्बन का नाम क्या था, मेथ था ना, मेथ, और मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अब इसका अगर हमको बनाना है फॉर्मूला बनाना है ना, फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है वन कार्बन, इसके अकॉर्डिंग बैठा दीजिए फॉर्मूला सी, तो कार्बन एगो है तो एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, दो एकम दो और दो दो चार, तो क्या हो जाएगा सी एच फोर, ये हो गया मेथेन का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया संघनित सूत्र बोलते हैं इसको, सूत्र बोलते हैं। और संरचना सूत्र बोलेगा तो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए अब कार्बन के पीस है एक कार्बन है, इतना बात आपको पता चल गया कि कार्बन जो पहली वाली वीडियो से, कार्बन जो होता है इसके आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के आखिर में चार गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन आठ बनना चाहेगा कि नहीं, आठ बनने के लिए चाहेगा, और आठ बनने के लिए क्या करेगा साझा करेगा पार्टिसिपेट करेगा। और हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन के आखिर में एक गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा, कार्बन हमेशा चार इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा और हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा, ठीक है ना। अब आपको ये भी जानना है, एक बात ये जानना आपको, देखिए अगर हम इसको ये कर देते हैं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो पहले ये समझो, मैं जहां पे शॉर्ट से लिख दे रहा हूं, कार्बन है बिंदु संरचना को याद है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसी प्रकार। अब देखिए कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन में चार गो इलेक्ट्रॉन, चार गो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इसके चारों तरफ कितना हाइड्रोजन कितना है, चार हाइड्रोजन है तो चार गो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए, चार गो हाइड्रोजन लिख दिए, चार गो हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है आखिर में, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के भी आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, आखिर शुरू तो सब वही हाइड्रोजन का वही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या देखिए ना आपको, कार हाइड्रोजन को चाहिए था दो, दो बन गया हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए था दो, चूंकि हाइड्रोजन हमेशा दो बनना चाहेगा तो दो बन गया, ई हाइड्रोजन को भी चाहिए दो, दो बन गया, ई हाइड्रोजन को भी चाहिए दो, दो बन गया। और कार्बन को क्या चाहिए था, चार चाहिए ना, चार तो पहले से है, चार चाहिए इसको तो आठ बन जाएगा। अब देखो ये जो आप देखिए कार्बन को हमेशा आठ गो इलेक्ट्रॉन बनना है हर हाल में, तो चार गो तो इसके पास पहले से है तो चार गो और लेगा कहीं से आगे। अब देखो ये दोनों को अगर हम मिला दें तो एक बॉन्ड बन जाएगा, और एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड कब बनेगा जब दो ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तब जाके ये वाला एगो बॉन्ड बनेगा। मतलब ये समझ में आ रहा है बाबू कि एगो बॉन्ड अगर खींचा हुआ है इसका मतलब एगो इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, एगो इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना, एक बॉन्ड बना। तो हम इस बात को हम ऐसे भी करके बोल सकते हैं कार्बन और एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पर देखो, अब देखो यहां पे पता क्या चला कि ये जो एक बॉन्ड खींचा हुआ है ये हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया दो ठो, क्योंकि एक ठो कार्बन वाला लिया एक ठो खुद वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन है इस, यहां पे एक बॉन्ड का मतलब हुआ कि इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, और कार्बन भी एक ठो ले लिया इससे, हाइड्रोजन से ले लिया साझा कर लिया, यहां भी ये साझा कर लिया। तो अब यहां पर पता चला कार्बन को कितना बॉन्ड है ये। अब सिंपल सा अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कार्बन को आखिरी में आठ गो इलेक्ट्रॉन होना है, अगर बॉन्ड से बात करें तो आधा कर देंगे, क्योंकि देखिए ना आठ गो इलेक्ट्रॉन था और जब बॉन्ड बनाया तो क्या बॉन्ड बना, चार गो बॉन्ड बना। और सवाल पूछता है कि मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने हैं, तो कितना बंधन हो रहा है, एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, चार बंधन, चार बंधन हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो कार्बन को कितना बंधन चाहिए, हमेशा कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए, चार बॉन्ड मतलब आठ गो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मिलकर दो इलेक्ट्रॉन बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मिलकर दो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो कार्बन को चार गो बॉन्ड चाहिए हर हाल में, हर हाल में कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए, चार से ज्यादा नहीं चाहिए, चार से कम भी नहीं चाहिए, और हाइड्रोजन को एक गो चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, संरचना सूत्र नाम है, क्या नाम है, संरचना सूत्र,
संरचना सूत्र नाम है। तो ये कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, तो ये बनाने के लिए हमको पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके लिए उसके बाद ये बनाना पड़ेगा तब। और ये जो देख रहे हैं मीथेन, यही है IUPAC नाम। क्या है? IUPAC नाम है। तो सवाल ये दे देगा आपको और बोलेगा इसका IUPAC नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि कार्बन एगो है, चलिए तो मेथ में आ गए, ठीक है ना। अब मेथीन होगा कि मेथाइन होगा वो अलग बात है ना। अब देखना कितना बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड किसमें आता है, एल्केन में आता है, तो मेथेन हो जाएगा, है ना। और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब एक समझ गए, दूसरा समझे, मेथेन हो गया, मेथेन के बाद एथेन समझे, मतलब कार्बन दो समझ, दूसरा कार्बन लेते हैं, है ना, सेकेंड कार्बन लेते हैं। तो सेकेंड कार्बन लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ, एथ होता है एथ, तो एथ में देखो ये क्या है, एथ है, और एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन को हम जानते हैं एथ में होता है, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ओके। अब इसका फॉर्मूला वही एल्केन का ग्रुप का ही, एथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब इसी ग्रुप का है, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है, ओके, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो कार्बन यहाँ पे कितना है, दो नंबर है बैठा यहाँ पे दो, तो क्या हो जाएगा C2। अब यहाँ देखो दो दूना चार, एन के यहाँ पे दो बैठाएंगे ना, दो दूना चार, चार दो छः, तो C2H6 हो गया। तब C2H6 किसका फॉर्मूला है, अब आपको देखना, अगर आपको सवाल यही दे दे अब बोले ये क्या है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो आप आराम से नहीं बता दीजिएगा। देखिए कार्बन के दुगना से दो ज्यादा, फॉर्मूला क्या था, कार्बन के दुगना से, कार्बन के दो है, दुगना से दो ज्यादा, तो दो का दुगना चार, और चार से दो ज्यादा छः, तो क्या होगा C2H6। अब ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब इसका हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, इसका बनाते हैं क्या, संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र। अब देखिए तो ऐसे तो आपको कभी कभी संरचना सूत्र दे सकता बनाने के लिए, नहीं तो बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन के ठो है, कार्बन दो ठो है। अब देखिए यहां पे ये एथेन ग्रुप का है, तो एथेन में कितना बॉन्ड होता है, एथेन में एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं, कार्बन कार्बन के बीच, एथेन मतलब एल्केन वाला में, जब आना एन एन आया तो समझना एल्केन वाला है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखो कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, कार्बन को चार को बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड देखो पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन के ठो है, छह गो है, तो तीन तीन को हाइड्रोजन लगाते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, देखिए एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड, देखिए तो हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, और कार्बन देखो चार गो के नहीं, एक दो तीन चार, ये जो बॉन्ड है ना दोनों के लिए, इधर इसके लिए भी ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके लिए भी काम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लगा देंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देखिए आ गया। तो ये क्या है, ये है एथेन का क्या है, सूत्र है, एथेन का संरचना सूत्र है। अब आपको IUPAC नेम निकालने बोलेगा, तो ये वाला बना रहेगा फिगर में, आपको ना क्वेश्चन में ये वाला दिया रहेगा, ये वाला फिगर बना रहेगा। अब कैसे फिगर देख के पहचानिएगा, फिगर देख के कैसे पहचानेगा भाई साहब ये क्या है, किसका संरचना सूत्र है, कैसे पहचानेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, बॉन्ड देखना है, कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड किस में जाता है, एन वाला में जाता है, एल्केन में जाता है, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन में मीथेन, एथेन, प्रोपेन सब आ जाएगा। तो अब देखें उसके बाद फिर देखें कार्बन कितना है, एक बॉन्ड है तो एल्केन में आ गया, सिंगल बॉन्ड वाला में। उसके बाद कार्बन के दो ठो है, तो वो सीरियल नंबर गिनती याद कीजिएगा ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, मेथ है, तो कि बोलेंगे डायरेक्ट मेथेन, समझ आ रहा ना। तो अब इसी तरीके से हम आपको बना लेते, एक ठो और बनाते हैं, ठीक है ना, एक पीस और बनाते हैं। अब जैसे देखें जैसे हम बनाते हैं ब्यूटेन, अगर हम देते ब्यूटेन का बनाइए भाई, ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में जानिए पहले कि ब्यूटेन कितना नंबर पर था, मेथेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, चौथा नंबर पर था। कार्बन कितना रहेगा, चार को रहेगा, तो C4। और फॉर्मूला क्या था, कार्बन के दुगना से दो ज्यादा है ना, तो कार्बन के दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, चार दुना आठ, आठ दू दस, फॉर्मूला CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कार्बन के दुगना से दो ज्यादा, कार्बन चार है, क्योंकि मेथेन में कार्बन, ब्यूटेन में ब्यूट जो है वो चौथा नंबर पर आता है। अब इसका अगर बनाना हमको है, आप इसको ऐसे ही बना सकते, देखिए अब इसको हम क्या करें, संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र, देखिए संरचना सूत्र बनाते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, मेथेन का सूत्र हो गया, ठीक है, सूत्र बोले तो ये हो जाएगा। अब हमको संरचना सूत्र बनाना है, देखिए क्या, कार्बन के पीस है, चार पीस है, एक दो तीन चार, हम क्यों एक सिंगल बॉन्ड लगा रहे, पता चल रहा ना, क्योंकि एन वाला ग्रुप में है, एन वाला में है, एल्केन में है, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए।
और देखो ये जो बॉन्ड हुआ ना, ये दोनों कार्बन के लिए हो गया, ये जो बॉन्ड है दोनों कार्बन के लिए, ये जो बॉन्ड है दोनों कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन के किट हो 10 गो है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे एगो हाइड्रोजन लगा दें, 3 गो हाइड्रोजन, तो देखो ये कार्बन हो गया 4 गो पूरा हुआ ना, कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब 4 गो इधर भी लगा दो, 3 गो इधर भी लगा दो, बोलो तो कार्बन किट हो गया, इधर भी 4 गो हो गया कार्बन, चलो हाइड्रोजन, अब कितना 3 3 6 हो गया, 4 गो और बच रहा, तो ई कार्बन को किट हो, देखो ई कार्बन को के बॉन्ड पूरा हुआ अब तक, ई कार्बन को 2 बॉन्ड पूरा हुआ कि नहीं, देखो ई कार्बन को एगो बॉन्ड इधर से मिल गया और एगो बॉन्ड इधर से मिल गया, तो 2 बॉन्ड तो पूरा हो गया, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो 2 बॉन्ड और चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन, कितना हो गया देखो, तो ई कार्बन, देखो ई कार्बन जो है यहाँ पे, ई कार्बन जो आप देख रहे हैं है ना, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन के लिए ई वाला भी इस कार्बन के लिए आ गया, ई वाला भी बॉन्ड इसमें आ गया, तो देखो हो गया पूरा 4 गो हो गया। अब ई कार्बन बचा बेचारा, तो इसके लिए किट पूरा हुआ, इसके लिए 2 ही बॉन्ड पूरा हो रहा, चूंकि ई बॉन्ड दोनों के लिए है, तो कार्बन के 2 ही बॉन्ड पूरा हुआ, अब इसको 2 और चाहिए ना, हाइड्रोजन भी तो बच ही रहा हमारा, 3 3 6 2 8 ही हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या है, ये है संरचना सूत्र। तो कभी कभी बोलेगा कि ब्यूटेन का संरचना सूत्र बताइए, तो ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के पीस है, हाइड्रोजन 3 पीस है कर दिए, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के पीस है, देखिए हाइड्रोजन कार्बन CH2 2 पीस है, इसके बाद ये लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन कितना पीस है, 2 पीस है, लिख दिए, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन कितना पीस है, हाइड्रोजन तो 3 पीस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संघनित सूत्र बोलते हैं इसको, और ये संरचना सूत्र है। अब ये सवाल आपको दिया रहेगा और बोलेगा बताओ बाबू कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है बॉन्ड, इसमें कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो तुरंत दिमाग चाहिए जाना चाहिए एल्केन वाला में, एल्केन आ गया। अब देखो कार्बन किट हो 1 2 3 4, तो किसमें होता है, 8 मेथ 8 प्रोब्यूट, तो ब्यूट और एन में आए थे, तो क्या हो गया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये है IUPAC, यही है IUPAC नाम, यही है IUPAC नेम है। ओके धीरे धीरे, ओके अब ये समझ में आ गया, अब दूसरा समझते हैं। अब आपको जितना भी मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सूत्र से आपको पहचान लेना है, किताब खोलिए उसमें दिया बना हुआ है। ओके हाँ, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद हम जानते हैं एल्कीन का, क्योंकि अच्छा से सीखना तो बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, लंबी वीडियो तो हो जाएगी लेकिन सीखना। एल्कीन, तो एल्कीन का जानिए, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ना क्या, CnH2n, बस इतने होता है। अब देखिए आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि कार्बन को चाहिए के 2 बॉन्ड, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, और हाइड्रोजन को हर हाल में एक ही बॉन्ड चाहिए ना, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन को नहीं चाहिए। अगर हम मेथीन बोलते हैं, चलिए तो मेथीन में कार्बन के कितना पीस है, कार्बन 1 पीस है, क्योंकि मेथ बना तो मेथीन से 1 पीस बना। अब इस फॉर्मूले पे अगर अरेंज करते हैं, सपोज डेट हम अभी मान रहे हैं, हालांकि होता नहीं लेकिन हम बना रहे हैं, आपका क्लियर दूर करें कंफ्यूजन कि मेथीन क्यों नहीं होता सर। तो देखिए अगर इसमें बैठाते हैं CN, मतलब CN है ना, ये CN है, CnH2n, तो 2 2 2 1 2, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इसको ये लोग बनाते फिगर, संरचना सूत्र बनाते कार्बन एक, अब यहाँ पे हर हाल में जाए कि जो एल्कीन ग्रुप का आएगा ना उसमें कार्बन के पास डबल बॉन्ड हर हाल में रहना है, तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दें, ठीक है, डबल बॉन्ड डाल दिए और यहाँ पे हम कहीं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखें तो हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड मिल गया यार, ऐसे तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही बॉन्ड चाहिए ना, हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा, तो गलत हो जाएगा ना। अगर हम हाइड्रोजन को बोले सर इधर लगा दीजिए ना हाइड्रोजन को, चलो ठीक इधर लगाते हैं, तो इधर हम हाइड्रोजन लगाए चूंकि हाइड्रोजन कितना पीस है, अच्छा हाइड्रोजन 2 हो गया ना, चलो तो अब हाइड्रोजन 2 लगा दे, यहाँ पे लिखते हाइड्रोजन 2, कार्बन कार्बन के, सॉरी मैं क्या बोला, हाइड्रोजन कार्बन के बीच, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लिखो चाहे कार्बन लिखो, तो कार्बन तो यहाँ एक पीस है ना, तो अब यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन लिखते हैं या एक तो और हाइड्रोजन लिखते हैं, ऐसे इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड ही चाहिए ना, डबल बॉन्ड ना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन लिखना हर हाल में है, चाहे कार्बन लिखे चाहे हाइड्रोजन लिखे, लिखना हर हाल में। तो ये वाला जो है मेथीन का जो है फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है ना। अब क्या काम करता भाई, तो एथीन का दूसरा नंबर, कार्बन का सेकंड नंबर वाला एथीन काम करेगा, एथीन। अब जो एथीन जो लिख रहे ना यही है IUPAC नाम है जी,
ओके तो कभी एथीन बोल देगा और बोलेगा इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो बनाते हैं और संरचना सूत्र से वापस आके हम बता देंगे कि एथीन का कैसे हो गया फॉर्मूला, एथीन कैसे आईयूपीएसी नाम आ गया। अब जैसे ही एथीन आया दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला एल्कीन का, कार्बन का दुगना, बस कार्बन का दुगना। तो एथीन कितना नंबर पर आता है, एथीन एथ एथ कितना नंबर पर आता है, दो नंबर पर आता है, तो दो नंबर पर, तो कार्बन का दो और दुगना तो दो दुना चार, ये क्या है एथीन है। ओके अब यहाँ पे कार्बन दुगना है तो हम क्या करें, कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड कर देंगे, यही तो समझना है। एथीन है तो एथीन में एल्कीन का ग्रुप का है, एथीन एल्कीन ग्रुप का, एल्कीन में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। ओके डबल बॉन्ड मैंने कर दिया। अब देखिए ना कार्बन का देखो दो दो बॉन्ड मिल गया, अब कार्बन दोनों कार्बन का दो ही बॉन्ड चाहिए ना, दो दो बॉन्ड दोनों चाहिए। हाइड्रोजन कितना है, चार है, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक इधर लगा दो, मतलब हम अरेंज कर दिए, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जब यहां पर मैंने लिखा, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन को चाहिए था एक बॉन्ड, देखो सब में मिल गया हाइड्रोजन एक बॉन्ड, कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, कार्बन को चाहिए चार बॉन्ड, ध्यान से समझिए कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए। तो यहां पे जो दो बॉन्ड लिखा हुआ है ना, ये दो बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के लिए दो बॉन्ड पूरा हो गया है ना। अब ई कार्बन के लिए दो बॉन्ड तो पूरा हो गया, अब दो ठो इधर से मिल गया तो हो गया चार को, ई वाला भी कार्बन के लिए दो ठो पूरा हो गया और दो ठो इधर से मिल गया, हो गया चार को। तो ये है क्या संरचना सूत्र है। अब सवाल में ये दिया रहेगा दो तीन टाइप का सवाल, एथीन दे देगा अब बोलेगा क्या कि इसका सूत्र बताइए, सूत्र बता सकते हैं, या तो एथीन दे देगा बोलेगा संरचना सूत्र बनाइए तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, या तो अगर संरचना सूत्र दे देगा और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो कैसे पहचानिएगा, पहले देखना का इसका डबल बॉन्ड, इसमें कितना बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड है, दो बॉन्ड है नहीं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब जैसे डबल बॉन्ड आए तो आपके दिमाग में एल्कीन ग्रुप में आ जाना चाहिए, जो मैंने बताया एल्कीन में बताया था डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन में आ गया, चलो एल्कीन में आ गया। अब एल्कीन में देखना कि मेथ एथ प्रोपेन क्या होगा, तो देखिए कार्बन कितना पीस है, दो पीस है, और दो किस में आता है, एथ में आता है, तो एथ में इन जोड़िए, एथ में इन जोड़िए क्या हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा, और यही क्या आईयूपीएसी नाम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं, देखो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, कार्बन के टू हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है कार्बन, दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, समझ आया। अब इसका एक और समझते हैं, तीसरा प्रोपीन समझते हैं ना, प्रोपीन देखिए तो प्रोपीन कितना नंबर पे आता है, कार्बन जो है तीसरा नंबर पे आता है, प्रोपीन तीसरा नंबर पे आता है। अब आपको बोलेंगे प्रोपीन का सूत्र बताइए क्या होगा, तो कार्बन का दुगना होता है, प्रोपीन मतलब एल्कीन ग्रुप का, तो कार्बन का दुगना सी, तो कितना तीन है ना, इसका दुगना क्या होगा तीन दुना छः, CnH2n का फॉर्मूला बनेगा आ गया। अब इसका बनाते क्या संरचना सूत्र बनाते हैं, तो हर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बन के दो, सिर्फ दो ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका बनाते संरचना सूत्र, कार्बन लिखे इधर भी लिख सकते उधर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ये डबल बॉन्ड इधर भी लिख सकते उधर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इधर भी लिखो चाहे उधर लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां पर आपको देखना डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड लग गया मतलब एल्कीन ग्रुप में आ गया। अब कार्बन तीन गो था, देखो तीन गो कार्बन था डाल दिया तीन गो। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए ई कार्बन को दो ठो बॉन्ड पूरा हो गया, और ई कार्बन को के बॉन्ड पूरा हुआ, दो बॉन्ड इधर से मिल गया, एक बॉन्ड इधर से हो गया, तीन बॉन्ड पूरा हो गया, समझ में। ई कार्बन को दो बॉन्ड पूरा हुआ देखिए इधर से, और ई वाला जो कार्बन है इसको तीन बॉन्ड पूरा हो गया, एक बॉन्ड दो बॉन्ड इधर से मिला, एक बॉन्ड इधर से, तीन बॉन्ड हो गया, और ई बेचारा अकेले कार्बन उसको एक ही को पूरा हुआ। अब हर कार्बन को चार बॉन्ड पूरा होना है, अब यहां पे हाइड्रोजन कितना है छह, तो अब देख लीजिए तो इसको हमको चार को बनाना पड़ेगा ना, तो दो हाइड्रोजन तो डालना पड़ेगा तब ना बॉन्ड होगा, चार पूरा होगा तो। चलो तो यहां पर क्या करेंगे, दो टू हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा देंगे, हो गया। अब देखिए ई कार्बन को चार पूरा हुआ कि नहीं, देखिए दो इधर से मिला दो इधर से मिल गया। अब क्या ई कार्बन को, तो ई कार्बन को कितना दिया हुआ, एक ही बॉन्ड पूरा हो रहा, अभी तीन बॉन्ड और चाहिए इसको, तो तीन तरफ लगा देंगे, इसको तीन तरफ लगा देंगे, एक ऊपर लिख देते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, एक इधर लिखते हैं। देखिए अब ई वाला कार्बन देखिए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, ई कार्बन को भी चार बॉन्ड पूरा हो गया, हो गया ना। अब कितना हुआ, तीन 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 दो पांच ही हुआ, आई केट हुआ छह गो है। अब ई जो कार्बन देखिए, ई वाला कार्बन बीच वाला कार्बन को ध्यान से देखिए, दो बॉन्ड इधर से मिला, एक बॉन्ड इधर से मिला, तीन बॉन्ड मिला, एक बॉन्ड और चाहिए, तो कहीं से ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, चलो हम नीचे ही लिख देते हैं, एक बॉन्ड बना के नीचे लिख देते हैं, हो गया पूरा। ये है संरचना सूत्र, और आपको संरचना सूत्र दे देगा, बोलेगा आईयूपीएसी नाम बताओ, तो अब देखो ध्यान से कार्बन के कितना बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड, दो बॉन्ड है, जैसे दो बॉन्ड आया समझ में आ गया एल्कीन ग्रुप का आता है, फिर कार्बन के गो है, गिनना है कार्बन की संख्या, तीन कार्बन है तो मेथ एथ प्रो,
प्रोप में इन वाला आया तो प्रोपिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 कार्बन का तीन हो गया सिंगल, यहाँ पे CH हो गया ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड सॉरी, तो यहाँ पे CH2 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको एल्किन भी समझ में आ गया। अब आपका क्या एल्काइन है, ठीक है ना। अब आपको समझना एल्काइन 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 का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। कार्बन के दुगना से दो कम होता है, कार्बन के दुगना से दो कम होता है, ठीक है ना। अब समझिए इसमें भी वही हाल है, इसमें भी मिथेन नहीं बोल, मिथाइन नहीं बोल सकते हैं, इसमें वही प्रॉब्लम हो जाएगा। कार्बन के दुगना से दो कम कर देंगे वही प्रॉब्लम, क्योंकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड होता है, इसमें तो और ज्यादा। एल्किन में है ना, एल्किन में तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था तो वो भी नहीं बना था, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड तो कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, है ना। अब चलिए समझते हैं, पहले समझते हैं क्या मिथाइन क्या समझते हैं, मेथाइन, देखिए मेथाइन कैसे हुआ, मेथाइन तो मेथ में आयन जोड़ा तो क्या हो गया, मेथाइन हो गया। ये IUPAC नाम मैं पहले लिख दे रहा हूं, तो आप IUPAC नाम से संरचना सूत्र बना सकते हैं, संरचना सूत्र से IUPAC नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए कार्बन के मिथाइन कितना नंबर पे आता है, मिथाइन सॉरी मिथाइन तो होगा नहीं, मिथाइन तो होगा एथाइन होगा, एथाइन तो एथाइन कितना नंबर पे आता है, एथाइन आता है सेकंड, कार्बन का सेकंड कार्बन आता है ना, सेकंड कार्बन आता है। आप कैसे बनाएंगे, कार्बन के दुगना से, अब देखो कार्बन का दुगना तो दो दुना चार, चार में से दो घटाएंगे कितना होगा टू आ जाएगा, है ना। सवाल आता है ये क्या है, एथाइन है। अब इसको बनाना हमको क्या, संरचना सूत्र बनाना है, तो कार्बन कितना पीस है, दो पीस है, दो कार्बन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच के को बॉन्ड रहेगा, तीन को बॉन्ड रहेगा, क्योंकि एल्काइन ग्रुप का ये आ गया, एल्काइन ग्रुप में कार्बन 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 के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो ना इस कार्बन के लिए तीन बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन को भी तीन बॉन्ड मिल गया, अब दोनों के एक एक हो जाए कि नहीं, कार्बन को चार बॉन्ड पूरा होना ना, तो तीन बॉन्ड इसको भी मिल गया, ये जो बॉन्ड लगा दोनों के लिए तीन तीन बॉन्ड पूरा हो गया। अब एगो चाहिए तो एगो लगा देते यहाँ पे, एगो इधर लगाते हैं, और देखिए ना यहाँ पे हाइड्रोजन दो पीस तो ही था, तो दो ही तो हाइड्रोजन लिखना भी था, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये है संरचना सूत्र, क्या है संरचना सूत्र है, और ये संघनित सूत्र है, संघनित सूत्र, संघनित सूत्र ये है, और ये संरचना सूत्र। अब सवाल दिया रहेगा ये वाला, ऐसे दिया रहेगा, अब बोलेगा बाबू इसका IUPAC नाम बताओ, तो गिनो पहले, पहले ये जानो कि ये कितना बॉन्ड है, तीन ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो किसमें जाएगा, तीन बॉन्ड है तो किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, एल्काइन ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद कार्बन के दो कार्बन है, तो दो कार्बन किसमें आता है, एथ में आता है, तो एथ और एल्काइन क्या हो जाएगा, एथाइन, एथ और एल्काइन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IUPAC नाम, क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, ओके। चलिए अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब आपको आप प्रोपाइन आप खुद से बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, प्रोपाइन प्रोपाइन प्रोपाइन, चलो मैं बताता हूँ, लास्ट में एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपाइन कितना नंबर पता है, मेथ एथ प्रोप तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, कार्बन का तीन गुना से, तीन गुना छः, छः में से दो घटेगा CnH2n-2, ये होता ना, तो तीन तीन गुना छः, छः में से दो घटेगा चार, देखिए ये क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया, C3H4। अब इसका बनाते हैं संरचना सूत्र, देखिए कार्बन कितना पीस है, तीन पीस है, तो कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया। आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इधर ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोले वैसे इधर लगा दिए, लगा दिए। अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड लगाना है, ऐसा नहीं कि ट्रिपल तो दो भी लगाइए सर, ये भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एक कार्बन ये जो देख रहे हैं आप, तो ये कार्बन को देख रहे हैं, इधर से भी तीन बॉन्ड पूरा हो गया, इधर से भी तीन बॉन्ड पूरा हो गया, ओके। और ये जो कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये कार्बन को चार बॉन्ड पूरा हो चुका है, ये कार्बन जो देख रहे हैं ये चार बॉन्ड पूरा हो चुका है, क्योंकि तीन बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से मिल गया, चार बॉन्ड पूरा हो गया, और ये कार्बन क्या है, अलग है, ओके। तो अब देखो इसको क्या करना है, हमको हाइड्रोजन कितना पीस है, हाइड्रोजन सिर्फ चार ही पीस हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड पूरा होना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ये वाला कार्बन को तो पूरा हो गया, तीन इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, चार हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इसको एक बॉन्ड मिला हुआ था, तीन बॉन्ड और चाहिए ना, तो तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे, ओके, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सी, और क्या CH3, देखिए यहाँ पे तीन हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं, आप होमवर्क को देख करके आपको बताना कि ये क्या है, मतलब इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है ना। होमवर्क ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान से
ये आपको अलग तरीके जैसे भी बना रहे हैं उससे टेंशन नहीं आपको, ठीक है ना। वेट वेट वेट, दो मिनट रुकिए। ओके ये बना हुआ है, ये बॉर्ड में दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इधर इधर हो गया, इसके बाद इधर मैं कर देता हूँ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलिए तो ये आपका होमवर्क रहा है और इसको देख के आपको बताना है कि ये इसका IUPAC नाम बताना है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो का आज करते हैं, काफी लंबी हो वीडियो लेकिन आपको समझ में आ गया। ये वीडियो नंबर पहला था, तो क्या आपको वीडियो नंबर सेकंड चाहिए नीचे कमेंट करना, और इसका आंसर भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके बाय।